दोस्तों, मैं आपको आज एक कोलो सुस्मान कैम कमांडर कोहिनूर अलब की हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। कोहिनूर अलब 1265 से लेकर 1270 के दरमियान पैदा हुए हैं। कोहिनूर अलब की सही मायने में पैदाइश का कोई हिस्ट्री वगैरह कोई कुछ कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने बहुत सी जगहों पे रिसर्च किया मगर इसका कोई भी पैदाइश का सही मायने में नहीं आ रहा। कुछ जगहों पे 1260 से आ रहा है, कुछ जगह पे 1270 का आ रहा है। कोहिनूर अलब उस्मान गाजी के अहम कमांडर थे, यानी कि दस्ते रास थे। अतुगल गाजी की वफात के बाद जब जब उस्मान सरदार बना तभी उस्मान गाजी के साथ ही रहे, सरदार आला से लेकर सल्तनत उस्मानिया तक, या सुल्तान उस्मान के साथ ही रहे। कोहिनूर अलब ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया। जगह उस्मान गाजी का शान शान बशाना रहे। जब उस्मान गाजी ने बोसा पर हमला करने के लिए कोहिनूर अलब को कमांडर बनाया तब इन्होंने बहुत से इलाके पता किए। इनके बाद बैर अस्वद के बहुत से इलाकों को कोहिनूर अलब ने पता किया, जिनके नाम पे आज भी यूनिवर्सिटी वगैरह और कुछ और चीज़ें इनके नाम पे मौजूद है। हम लोगों ने ड्रामे के अंदर अक्सर देखा गया कि सीज़न 1 से लेकर सीज़न 3 तक कोहिनूर अलब दो शक्ल के जैसी है, मगर देखा जाए तो ये दोनों कोहिनूर अलब एक ही शख्स के ऊपर कहानी बनाई गई है। सीज़न 1 में जो कोहिनूर अलब देखा गया और सीज़न 3 में जो कोहिनूर अलब चल रहा है, ये दोनों की हिस्ट्री दोनों की कहानी एक जैसी है। बस ये इन्होंने ड्रामे में थोड़ा सा किरदार उन्होंने अलग किए और नए दोनों के नए नए चेहरे ला के रख दिए। कुछ लोग तो ये भी मानते कि ये जो कोहिनूर सीज़न 3 में जो कोहिनूर अलब चल रहा है ये एक सफ़ेद दाढ़ी वालों को, मगर ये दरअसल ये बात झूठ है। कोई भी दूसरा कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला कोहिनूर अलब है ही नहीं। दोनों कोहिनूर अलग एक ही है, ये इनकी स्ट्रिंग की कहानी एक ही बनी है। तो बस लोगों ने यूट्यूब में जब दोनों इनको सफ़ेद दाढ़ी की शक्ल वाले जासूस का शक्ल दे दिया गया। कोहिनूर अलग ने उस्मान गाजी के साथ मिलकर बहुत से इलाके बहुत से शहर पता किए। कोहिनूर अलग अजीज दिल के मालिक थे। रहम दिली, ज़रूरतमंदों की मदद करना, तमाम चीज़ों से मालूमात थे। जंगी महारत, शफाक जहन के मालिक थे। उस्मान गाजी के दूसरे कमांडरों की नस्बत से कोहिनूर अलब का नस्बत कुछ ज़्यादा ही था। जंगों में जो महारत कोहिनूर अलब दिखा सकता था वो कोई भी नहीं दिखा सकता था। उस्मान गाजी जिन जिन किलों पर हमला करने के लिए जाते थे पता कर लिए कोहिनूर अलब इनके साथ ही होते थे। जब उस्मान गाजी की वफात के बाद ओरहान गाजी सुल्तान बना तभी ओरहान गाजी के साथ मिलकर बहुत से इलाकों को पता किया। आज भी आपको उस वीडियो में नज़र आ रहा है कोहिनूर अलब एक ही शख्स पे स्टोरी बना के। इनका मकबरा आज भी अतुगल गाजी के मकबरे के पास है, इसे आप लोग देखा जा सकता है। जैसी के ड्रामे में दिखाया गया कोहिनूर अलब बीमारी की वजह से इंतकाल कर गया, ये दरअसल बात झूठी है। कोहिनूर अलब बीमारी की वजह से इंतकाल नहीं बल्कि एक जंग में शहीद हो गए थे। कोहिनूर अलब की असल हिस्ट्री असल कहानी जो मेरे पास मौजूद है वो तो मैंने आपको बता दी गई, बकाया इसके रियल हिस्ट्री सही मायने में जो हिस्ट्री है वो किसी को अब तक मालूम नहीं है। इनकी वफात पे भी कुछ महमा चल रहा है, कुछ जगह पे ये आ रहा है कि ये शहादत इन्होंने को नसीब हुआ, कुछ जगह पे ये आ रहा है बीमारी से इंतकाल कर गए। जहाँ तक मेरी रिसर्च है मेरी रिसर्च मुझे ये बताती है इनका इनका शहादत एक जंग में शहीद हो गए थे। दोस्तों, आज की वीडियो के साथ बस इतना ही है। अभी मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक बनता है या तो सब्सक्रिप्शन करने का हक बनता है। अगर ना पसंद आई इसी आपकी मर्ज़ी। इसी के साथ